हमें तो वो समय भी याद है कि जब कभी घटना होती थी तो हमारी तस्वीर थी। और आज तो अगर कोई नाम ले लेगा बीजेपी के नेता का कि उसकी सरकार में ये है, उसकी सरकार में, तो उसकी नौकरी चली जाती है। तो हम तो वो समय देखा है जब कोई घटना होती थी हमारी तस्वीर सामने आती थी। अब हम चाहते हैं कम से कम हमारे मुख्यमंत्री की तस्वीर तो देख लें, लोग देखें जैसे हमें दिखाते थे वो भी देखें। और कानून व्यवस्था के सवाल पे नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार में कम हुआ, इनकी सरकार में ज्यादा हुआ। जिम्मेदारी जनता ने इन्हें दी है। जो व्यवस्था है आपका 1090 खत्म कर दिया क्योंकि समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। देश का सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था पुलिस को 100 नंबर, उसको खत्म कर दिया इस सरकार ने। तो आखिरकार कैसे न्याय मिलेगा, कैसे मदद पहुंचेगी? मैं ये चाहता हूं ये सरकार चली जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी तभी न्याय मिलेगा। जब तक सरकार रहेगी न्याय की उम्मीद न करो इनसे। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे आप बर्खास्तगी को लेकर सीएम? हम तो जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि जनता ने इन्हें चुन के भेजा है। हमें तो एक ही रास्ता पता है लोकतंत्र में कि बोर्ड से आए तो बोर्ड से हटेंगे। हम तो बोर्ड से हटाना चाहते हैं इन्हें। बेटियों के साथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है, और इस घटना का खुलासा होना चाहिए। कौन लोग शामिल थे? जब ये बंद थी संस्था, को रोग लगी थी, उसके बावजूद भी संस्था किसके सहारे पे काम कर रही थी? उस संस्था के लोगों को आखिरकार कौन सम्मानित कर रहा था, उनकी कौन प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था? जो संस्था बेटियों के साथ ऐसी घटना करा रही हो उस संस्था को कौन सम्मान दे रहा था? उस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? अगर जिलाधिकारी नतमस्तक हो उस संस्था के सामने तो क्या उम्मीद करोगे? एक जिलाधिकारी बदल देने से नहीं होगा फैसला। और मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि जो सरकार दुख तकलीफ और परेशानी जनता को दे वो सरकार हटनी चाहिए।